चंडी माता जी की। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की। जय बोलिए स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी की। जय बोलिए आरिका संघ की। मेरे साथ आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे, आज जयंती किसकी है, आज जयंती किसकी है, आज जयंती किसकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग आप जानते हैं कि यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं। आज हमारी गुरु माँ, हमारे अवध की मैना, जो आज सर्वोच्च साध्वी हैं हमारे जैन समाज की, आज हम उनकी 91वीं जन्म जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। आज हमें बहुत ही खुशी है कि हमें माता जी का 91वां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहूँगी कि जब से माता जी के चरण युगल इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर पड़े हैं, तो सिर्फ रायगंज मंदिर का ही विकास नहीं, सिर्फ जैन समाज मंदिर के विकास नहीं, पूरी अयोध्या का विकास आज हुआ है। है ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, नारी की कला निराली है, सच पूछो नारी के कारण ये धरती गौरवशाली है। अब सुने आप ये वह गाथा जो पग पग हमें बताती है, तप त्याग तपस्या में नारी कितनी आगे बढ़ जाती है। जिसके अभिनंदन से होता अभिनंदन का अभिनंदन है, जिसके अभिनंदन से होता अभिनंदन का अभिनंदन है, उस महा आरिका माता का किस तरह करें हम वंदन है, किस तरह करें हम वंदन है। जय बोलिए गंडी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है महासाधिका। महासाधिका कौन है और आज हम उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? उन्होंने अपने जीवन के जो अमूल्य क्षण हैं, उनके जीवन के जो छोटे छोटे अमूल्य क्षण हैं, आज हम उन क्षणों को इस नाटिका में हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़ी सी कोशिश की है हमारे बच्चों ने, हमारी महिलाओं ने, हम चाहेंगे आप लोग उनको सराहें और उनका उत्साहवर्धन करें। तो एक जोरदार करतल ध्वनि तो बनती ही है। धन्यवाद। मैं माताजी से आज्ञा चाहूंगी कि माताजी हम नाटक शुरू करें। गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, झूम झूम गा रहा मोर बन के आज मन। माते दर्शन पायो, माते दर्शन पायो, भागुदय में आयो,
मात दर मात दर्शन पायो मैंने मात दर्शन पायो महातपस्विनी महासाध्वी ज्ञानमती गुरुमां जिनके आगे नतमस्तक है सारी ही दुनिया इंसान है कोई कहां जीवंत तीर्थ से गुरुमां के द्वय चरण झूम झूम गा रहा मोर बन के आज मन पायरे 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 पायो पायरे 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 पायो पायरे पायरे पायो रे मात दर्शन पायो मात दर्शन पायो आज मन हर्षायो मात दर्शन पायो मैंने मात दर्शन पायो दिव्य शक्ति माँ ज्ञानमती की पूजा रचाऊं मैं सरस्वती सम ज्ञान मूर्ति से ज्ञान को पाऊं मैं भाग्य जगाऊं मैं धन्य धन्य हो गया भक्ति से मेरा जन्म झूम झूम गा रहा मोर बन के आज मन पायर 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 पायो पायर 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 पायो पायर 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 पायो रे मात दर्शन पायो मात दर्शन पायो मन गगन पर छायो मात दर्शन पायो मैंने मात दर्शन पायो आयो गायो लायो गायो शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक ऐसी दिव्य घड़ी आई जन्म लिया शारद माने जो ज्ञानमती माँ कहलाई जिन धर्म को पढ़कर बचपन में आगम की समझी गहराई प्रभु महावीर की परंपरा में जिन धर्म पताका फहराई माँ ज्ञानमती के चमत्कार से अचरज हुआ जमाना है इनकी गौरव गाथा प्रियवर मुझको अब तुम्हें बताना है इनकी गौरव गाथा प्रियवर मुझको अब तुम्हें बताना है बंधुओं आपको सुनाते हैं एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बालिका की कहानी सन 1934 की शरद पूर्णिमा की रात थी उस दिन का पूर्णमासी का चांद धरती पर धवल चांदनी बिखेर रहा था उसी समय रात्रि के ठीक 9:17 पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के टिकैत नगर ग्राम में पिता श्री छोटे लाल की पत्नी माँ मोहिनी की कुक्षी से एक कन्या का जन्म हुआ जन्म लेते ही प्रसूति गृह में प्रकाश फैल गया वह कन्या अद्भुत थी जन्म के समय ना रोई थी उस कन्या की नानी ने उसका नाम रखा
मैना। मैना जब बड़ी हुई तब जब बाल्यकाल देखा सबने, मैना का बड़ा निराला है। उस नगरी में इस बाला सा कोई न प्रतिभा वाला है। प्रारंभिक बेसिक शिक्षा पर थी ऐसी कड़ी नजर डाली, कुल 8 बरस में मैना ने यह शिक्षा पूरी कर डाली। अब उसके आगे की कहानी सुनाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, भाइयों और बहनों से वह भरा पूरा परिवार हो जाता है। एक दिन अचानक गांव में चेचक रोग फैल जाता है। मैना के भाई प्रकाश और सुभाष भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। चिंतातुर माँ देवी का प्रकोप जान झाड़ फूंक करवाने का सोचती हैं, लेकिन यह क्या, मैना ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसे जैन धर्म पर अगाढ़ श्रद्धा जो थी, वह जिनेंद्र प्रभु की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कहा, नहीं माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करेंगे और उस गंधोदक से अपने भाइयों को रोग मुक्त करेंगे। देखो, मैना सुंदरी ने भी तो श्रीपाल का कुष्ठ जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करके दूर किया था। और फिर होता है चमत्कार। दोनों भाई कुछ ही दिनों में रोग से मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, अब आगे की बात सुनिए। इसी टिकैत नगर ग्राम में एक नाटक खेला जाता है, जिसका नाम था अकलंक और निकलंक। वह दिन मैना के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। मैना की मन स्थिति पर उस नाटिका के अकलंक देव के चरित्र का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि उस बालिका के पूरे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया, और उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं विवाह नहीं करूंगी, आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण करूंगी। नाटक का अति चित्ताकर्षक जब एक सीन ऐसा आया, अकलंक करो शादी जल्दी था उन्हें पिता ने समझाया। कीचड़ में पग रख कर धोना यह काम पिता ना सच्चा है, इससे तो बेहतर कीचड़ में पग ही ना रखूं यह अच्छा है। बस इसी वाक्य ने मैना के मन को मक्खन सा मथ डाला। उसने अकलंक समान तभी दृढ़ होकर निश्चय कर डाला। बोली, परिणय के बाद में दीक्षा सफल नहीं हो पाएगी, अब मैना कुआरी दीक्षित हो जिन मत का अलख जगाएगी। जब माँ को यह बात पता चली तो माँ ने सोचा, अभी नादान है, बड़ी होगी तो स्वयं ही समझ जाएगी। जब पता चला यह माता को, उसने समझा यह बचपन है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, आने तो दो नव यौवन है। जब आंखों में होगा कुमार, यौवन अपना रंग लाएगा, तब यह भोलापन बालापन सब स्वयं भंग हो जाएगा। लेकिन इधर मैना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह रात दिन स्वाध्याय करने लगी। माँ के द्वारा दहेज में लाए हुए ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय कर करके वह और भी दृढ़ हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार के लोग मैना के विवाह कराने पर जोर देने लगे, क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी पुत्री जो थी। तब उन्होंने मन ही मन सोचा, माँ ऐसे ही रोज सुनाएगी, जब बांसी नहीं होगा इससे फिर बजा बांसुरी पाएगी। अब आगे सुनिए, यह सन 1952 की घटना है। बाराबंकी में आचार्य देशभूषण सागर महाराज जी का केश लॉन्च हो रहा था।
कि सामने सभा में बैठी मैना ने भी केश उखाड़ने शुरू कर दिए। सभा में हलचल मच गई। हालांकि उस समय तो मैना को ऐसा करने से रोक दिया गया, लेकिन वह कब तक रुकती? चाहे नर हो या नारी हो, वैराग्य जिसे भा जाता है उसको इस जग का आकर्षण फिर जरा न सहला पाता है। वह है स्वतंत्र घर हो या वन, उसको कब क्रंदन होता है? जो मुक्ति पथ का पथिक उसे कब वै का बंधन होता है? फिर मैना और माँ के बीच पूरी रात खूब वार्तालाप होती है। अंततः माँ मोहिनी मैना को आचार्य श्री के संग में रहने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती हैं और माँ की आज्ञा पाकर मैना आचार्य श्री के संग में रहने लग जाती हैं। और वह वीरांगना मैना तो अब गुरु संघ के साथ भगवान महावीर की अतिशय भूमि चांदनपुर महाराज जी की ओर चल देती हैं और फिर वही उनकी वर्षों की आस पूरी होती है। मैना के जीवन का तो अब वैराग्य बन चुका छाया था। जब संवत 2009 थी, सचमुच कमाल दिखलाया था। महावीर क्षेत्र पर चैत्र सुदी जब एकम की बेला आई, पा गई क्षुल्लिका पद मैना, थी सारी जनता हर्षाई। वैराग्य जगत में बेमिसाल, यह सबसे कठिन परीक्षा थी। सबसे कम आयु में प्रियवर, यह सबसे पहली दीक्षा थी। हो गया दंग था हर दर्शक, जिसने स्वरूप था आन लखा। तब गुरु देश भूषण जी ने छुल्लिका वीरमती नाम रखा। जय हो छुल्लिका वीरमती माता जी की, आचार्य श्री देश भूषण महाराज की, महावीर जी अतिशय क्षेत्र की। दर्शन करने आऊंगो चांदनपुर के गांव में, बुला ले वीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगो। दर्शन करने आऊंगो तेरो बंदन करने आऊंगो, दर्शन करने आऊंगो तेरो बंदन करने आऊंगो। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगी। आइए सुनते हैं छुल्लिका वीरमती आरिका ज्ञानमती कब बनी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की आज्ञा से आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी के कर कमलों से सन 1956 वैशाख कृष्णा दूज के दिन माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान छुल्लिका वीरमती से आरिका ज्ञानमती बन गई। माताजी की आभा एकदम अलग और निराली थी। संघ में ये
कातंत्र व्याकरण आदि अनेक ग्रंथ मुनि आरिका एवं शिष्य शिष्याओं को पढ़ाती थी। अतः सभी लोग उनके ज्ञान से प्रभावित रहते थे। जहां जहां माता जी का विहार होता था वहां पर खूब धर्म प्रभावना होती थी। बिजली सी फैल गई कीरत, हो गई धन्य जीवन बेला, अब डगर डगर पर दर्शक को भक्तों का लगा मिले मेला। तब ज्ञानमती जी संग बना, निकली भव पार लगाने को, सब दुराचार को हटा सदा को, सदाचार चमकाने को। यूं तो माता जी ने अनेकों प्रांतों में बहुत सारे चातुर्मास किए, किंतु सन 1965 में दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला तीर्थ पर भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में किया गया चातुर्मास तो पूरी दुनिया के लिए वरदान ही बन गया। बाहुबली भगवान की, गोमटेश भगवान की। भगवान बाहुबली के चरणों में किए गए ध्यान में माता जी को सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालयों के साक्षात दर्शन हुए। माता जी ने इस ज्ञान को मूर्त रूप दिया और हस्तिनापुर में सर्वप्रथम 1982 में जम्बू द्वीप की रचना करवाकर समूची जैन समाज को एक अमूल्य निधि दे दी। उसके बाद तो माता जी ने कई तीर्थों का विकास कराकर कीर्तिमान रच दिया। साधिका महा आरिका महा ज्ञानमती माता, जन्मभूमि में महा जयंती महा महोत्सव माता। शासन का महापुण्य है महासाधिका पाया, 67 वर्ष तपस्या वाली महाआरिका पाया। महासाधिका पाया 67 वर्ष तपस्या वाली महाआरिका।
महापुण्यशाली भक्तों का, महापुण्यशाली भक्तों का झुका चरण में माथा। जन्मभूमि में महाजयंती महा महोत्सव माता। महापुण्यशाली कैत नगरी की महाविभूति, महाप्रयास किया सबने तो पाई महानिधि भी। महा महा चौमासा पाके, महा महा चौमासा पाके गारह महागुण गाता। जन्मभूमि में महाजयंती महा महोत्सव माता। वृषभेश बना महापंच कल्याण कराया, तीर्थं करके जन्मभूमि का महाविकास कराया। महामूर्ति वृषभेश बना महापंच कल्याण कराया, तीर्थं करके जन्मभूमि का महाविकास कराया। तभी चंदना मती कहेंगे, चंदना मती कहे इन्हें ज्ञानमती महामाता। जन्मभूमि में महाजयंती महा महोत्सव माता। जन्मभूमि में महाजयंती महा महोत्सव माता। श्री ज्ञानमती माता द्वारा जग ने प्रकाश जो पाया है, जिनकी वाणी ने प्राणी के अंतस का अलख जगाया है, उनका यश वर्णन चंद शब्द बोलो कैसे कर सकते हैं, उनका यश वर्णन चंद शब्द बोलो कैसे कर सकते हैं। शबनम की बूंदों के द्वारा क्या सागर को भर सकते हैं। यह सत्य अहिंसा की मूरत युग युग तक ज्ञान प्रकाश करे, यह सत्य अहिंसा की मूरत युग युग तक ज्ञान प्रकाश करे। जिस जगह आप डेरा डालें शिव पुरसा वहीं निवास करें। है अभिलाषा सबके मन की यह प्रभा सदा दिन दूनी हो, है अभिलाषा सबके मन की यह प्रभा सदा दिन दूनी हो। भारत माता की गोदी इस माता से कभी न सूनी हो, भारत माता की गोदी इस माता से कभी न सूनी हो, भारत माता की गोदी इस माता से कभी न सूनी हो।
माती गुरु माँ महासाधिका महालिका जय जय ज्ञानमती गुरु माँ महासाधिका महालिका जय जय ज्ञानमती गुरु माँ। तीनों लोकों में गूंज रही है, तीनों लोकों में गूंज रही है तेरे तप त्याग की महिमा। तीनों लोकों में गूंज रही है तेरे तप त्याग की महिमा। देव प्रतिमा की प्रेरिका दिव्य शक्ति जिन शासन की, दिव्य शक्ति जिन शासन की, दिव्य शक्ति जिन शासन की। शब्दों में ना वर्णित हो महिमा तेरे तप संयम की, महिमा तेरे तप संयम की, महिमा तेरे तप संयम की। ऋषभ देव प्रतिमा की प्रेरिका दिव्य शक्ति जिन शासन की, शब्दों में ना परिणत हो महिमा तेरे तप संयम की। भारत गौरव तुमने बढ़ाई गुरु माँ, भारत गौरव तुमने बढ़ाई है जिन शासन की गरिमा। भारत गौरव तुमने बढ़ाई है जिन शासन की गरिमा। तीनों लोकों में गूंज रही है, तीनों लोकों में गूंज रही है तेरे तप त्याग की महिमा। तीनों लोकों में गूंज रही है तेरे तप त्याग की महिमा।